वेलकम टू जूस फूड और मैं हूं आपका अपना बड़ी शेफ रिपुदमन हांडा। देखिए जब खाने की बात आती है ना, खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे लिए खाने का सबसे एंड पार्ट डेजर्ट। जब भी डेजर्ट का नाम आता है मेरे जुबान पर सिर्फ एक चीज आती है और वो है चॉकलेट से पूर्णता से मिला हुआ कोई भी एक मीठा। कहते हैं कि चॉकलेट से मोटे होते हैं, तो उसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर आप सबके सामने एक चॉकलेट से एक इंटरेस्टिंग डेजर्ट बनाकर, जिसका नाम है एवोकाडो चॉकलेट पुडिंग और वो भी एक हेल्दी वर्जन। सो लेट्स स्टार्ट द एवोकाडो चॉकलेट पुडिंग। सबसे पहले हम एवोकाडो को पील कर लेते हैं। अब इस एवोकाडो को हम इस तरह से स्कूप कर लेते हैं। सो ये लीजिए एवोकाडो हमने निकाल लिया और इसको हम फेंक देते हैं। देते हैं हम एक मिक्सर। सबसे पहले डालते हैं इसमें हम 1 कप ऑफ एवोकाडो। Then 2 tablespoons of unsweetened cocoa powder. Chocolate. मैंने इसमें डार्क चॉकलेट यूज की है, जिसमें जो रेशियो है डार्क चॉकलेट की वो एटलीस्ट 85-90% होनी चाहिए। तो इसमें हम 2 tablespoons डार्क चॉकलेट यूज करेंगे। And coconut milk. 1/2 cup of coconut milk. वनीला एसेंस। सो इसमें डालते हैं हम 3-4 ड्रॉप्स ऑफ स्टीविया, जो इस पूरे पुडिंग को एक मीठा फ्लेवर देगा। एंड एट द एंड सो लेट पुट सम पिंक सॉल्ट। और अब इजी। वाह, एक बार इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर एवोकाडो की जो चंक्स है हल्के हल्के वो भी रख सकते हैं, या पूरी तरह से मैश करना चाहते तो अप टू यू। सो इट्स डन। अब करते हैं इसको हम प्लेट। वाओ, चॉकलेट लवर्स, नाउ इट्स टाइम टू पोर दिस इन दिस ग्लास। Looks so delicious. So, ये हो गया पुडिंग एकदम सेट। अब करते हैं इसकी गार्निश। इन गार्निश we put some chopped almonds. अगर आप चाहे if you like peanuts you can put the peanuts also, but मुझे पसंद है almonds. So, इसमें हम डालेंगे 3 fine chopped बादाम, साथ में स्लाइस एवोकाडो है। जो हम बाहर चॉकलेट खाते हैं उससे तो थोड़ा सा और बेटर है, बट यू कैन ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम, एट योर प्लेस, ऑफिस, होस्टल, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी बनने वाली रेसिपी है और साथ साथ में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हेल्दी है, टेस्टी है एंड चॉकलेट को पूरा करती है। सो गाइज सब्सक्राइब टू जूस फूड एंड एंजॉय दिस रेसिपी। Cheers.